हेलो दोस्तों, तो मनचला वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो गया है। ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है प्राइम शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हम आयुष को देखते हैं, जो कि अपनी जीएफ दीपाली को भगाकर अपने दोस्त के घर आता है। लेकिन अपने दोस्त को वो ये नहीं बताता कि जो दीपाली है वो उसे भगा कर लाया है। यहाँ अगले दिन दीपाली जो है वो उसे बताती है कि आयुष जो है वो उसे भगा कर लाया है। आयुष अपने दोस्त से कहता है कि वो डरे ना और चाहे बना के रखे। रात को दीपाली और आयुष दोनों रोमांटिक होते हैं। वहीं आयुष का दोस्त भी दीपाली की पिक देख के उसके साथ रोमांटिक होने के बारे में सोचने लगता। अगले दिन लकी दीपाली से कहता है कि वो गीले बालों में काफ़ी अच्छी लगती है और दीपाली लकी को थैंक्स बोलती है। यही नहीं, शाम को जब लकी घर आता है तो दीपाली उसे पानी देती है। लकी दीपाली से कहता है कि वो उसके लिए कुछ लेकर आया है, लेकिन फिर वो आयुष को देख लेता है और मना करता है। आयुष दीपाली से रूम में जाकर कहता है कि वो ये सब क्या कर रही है लक्की के साथ, लेकिन दीपाली कहती है कि वो उसी के घर में रहते हैं जिस पे आयुष कल ही शादी करके घर को छोड़ने की बात करता है। इस पे दीपाली फिर कहती है कि वो शादी के बाद कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और आयुष चुप होकर चला जाता है। रात को दीपाली किचन में पानी लेने के लिए जाती है, ठीक उसी टाइम लकी भी वहाँ पे आता है और दीपाली के लिए लाए हुए एयरिंग्स उसे देता है। दीपाली एयरिंग्स खुद ही उसे पहनाने को कहती है, जिसके बाद वो एक दूसरे के करीब आते हैं और रोमांटिक होते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पे आयुष कहता है कि वो एक जगह जॉब के लिए जा रहा है। लकी उसे अपनी कंपनी में बात करने को कहता है, लेकिन आयुष उसे मना करता है। इसी बीच दीपाली घर में काम करने वाले लड़के गोपाल से उसके बारे में पूछती है कि उसकी फैमिली में कौन है, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है और उसे कैसी लड़की चाहिए, जिस पे गोपाल शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को आयुष के सोने के बाद दीपाली वापस लकी के पास आती है और उसे आयुष को सच बताने को कहती है, लेकिन लकी कहता है कि वो अभी ऐसा ना करे। आयुष को ऐसा लगेगा कि उसके पास जॉब नहीं है, जिस कारण दीपाली उसे छोड़ रही है। अगली सुबह लकी आयुष से उसके इंटरव्यू और जॉब के बारे में पूछता है। जब आयुष मना करता है तो लकी उसे दोबारा अपनी कंपनी में बात करने को बोलता है। इस पे भी आयुष मना करता है। वहीं लकी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो दीपाली से छुप के दूसरे रूम में जाकर उसका फ़ोन सुनता है और ख़ुद को बिज़ी होने के बारे में बोलता है। इसके बाद आयुष और लकी दोनों ऑफिस चले जाते हैं, जिसके बाद दीपाली गोपाल से फिर से पूछती है कि उसे कैसी लड़की चाहिए और गोपाल दीपाली से कहता है कि उसे ठीक उनके जैसी ही लड़की चाहिए और वो अपनी नज़रें झुका लेता है, ये बोलकर कि अगर वो दीपाली को ऐसे ही देखता रहा तो उसे दीपाली से प्यार हो जाएगा। रात को आयुष को एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसके बारे में लकी और दीपाली से वो बताता है। लकी से कहता है कि अगर उसे जॉब मिल गई तो वो दीपाली को लेकर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन फिर लकी कहता है कि वो ऐसा ना करे। आयुष कहता है कि वो देख लेगा। रात को दीपाली रूम से जाने लगती है और आयुष के पूछने पे वो बताती है कि उसे गर्म पानी से नहाना है और गीज़र ख़राब है, इसलिए वो लकी के रूम में जा रही है वॉशरूम यूज़ करने। लकी अपनी गर्लफ्रेंड अवनी से चैट कर रहा होता है, तभी दीपाली आती है, जिसके बाद वो एकदम से फ़ोन को साइड पर रख देता है। हालांकि दीपाली पूछती है, लेकिन लकी मना करता है। दीपाली कहती है कि वो वॉशरूम यूज़ करने आई है, आयुष को बताकर ही वो उसका वॉशरूम यूज़ करने आई है। लकी भी उसके साथ वॉशरूम यूज़ करना चाहता है। दोनों एक साथ नहाते हैं और रोमांस भी करते हैं। अगली सुबह दीपाली गोपाल से लकी के बारे में पूछती है कि उसे मिलने कोई लड़की आती थी क्या, जिस पे गोपाल दीपाली को बताता है कि उनकी एक ख़ास दोस्त है जो अक्सर यहाँ पे आया करती थी, जिसे सुनकर दीपाली को गुस्सा आता है और वो लकी से अवनी के बारे में पूछती है। इसके बाद तभी वहाँ आयुष आ जाता है और दीपाली का हाथ पकड़ने पे लकी पे वो गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ दीपाली कहती है कि वो आयुष को पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके घर वाले शादी ज़बरदस्ती करवा रहे थे, इसलिए वो
आयुष के साथ भाग गई, लेकिन लकी उसको अच्छा लगता था। लेकिन लकी जो है वो 3 साल अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का भी नहीं हुआ तो वो उसका क्या होगा। और वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है, और सीरीज़ के लास्ट में वो कहती है कि वो गोपाल से प्यार करती है और गोपाल को अपने साथ शादी करने के बारे में पूछती है। सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप ये सीरीज़ देख सकते हैं प्राइम शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। इस सीरीज़ के टोटल 4 एपिसोड है जो कि 20-20 मिनट की टाइम ड्यूरेशन की है। ऐसी ही और वेब सीरीज़ की अपडेट्स, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।